अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, अरे नाना ई तो डीएम होई है हो। चलना हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है उसे ऊपर। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ यार डॉक्टर के पास, बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो लापरवाही करने से बढ़िया है कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने सचिन को बुलाया है और उसके साथ ही चलते हैं, क्योंकि अकेले इतनी धूप भी इतनी तेज है ना, इस धूप में भाई निकलने के लिए हालत ख़राब है। तो उसको बुलाया है, जस्ट वो आता है तो फिर निकलते हैं। अभी मुझे रोड तक जाना पड़ेगा पैदल। ओ बालक आ गया है रोड पे, गाड़ी घुमा लिया। तो ब्रो आज दवा ले के ही आना है, टाइम बर्बाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम चलते हैं और चल के वहाँ पे आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलवा लेना, कल का काम आएगा, पहुँच जाएंगे उसमें। पेट्रोल टंकी तक पहुँच जाएंगे भाई, इतना कम तेल डलवाओगे तुम। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो हमने अभी दवा लेके जस्ट निकला है और चलते हैं अब, जूस वगैरह पीते हैं, जरूरी है वो। दवा यार, दवा को कम्पीट करने के लिए हेल्दी चीज़ें खाना जरूरी होता है, नहीं तो दवा रिएक्शन भी कर सकता है। गाड़ी का नंबर प्लेट लगवा लो, चालान कटेगा ना फिर समझ में आएगा। भाई साहब धूप इतनी तेज है कि हालत ख़राब है, और ऐसे धूप में जिस चीज़ का दवा ले रहे हैं ना वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी। सही लग रहा है भाई, क्या है थूक रहे बेचारिया। तो फाइनली अभी जस्ट आए हम घर पे, इतनी तेज धूप है ना भाई की हालत खराब हो गई है पूरी। तो अभी चलते हैं अंदर, लग रहा लाइट है, लाइट होगा तो थोड़ी देर सोएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करना है। और पता है गांव में एक सुविधा मिलती है यार, ये ठंडी ठंडी हवा जो मिलती है ना, इसकी बेनिफिट शहरों में नहीं मिलती। तो ये थोड़ा सा ना, तो मतलब गर्मी में मतलब लाइट वगैरह गांव में बहुत कम रहता है, फिर भी गांव के लोग परेशान नहीं होते, बिकॉज रीज़न ये है कि इतना अच्छा हवा चलता है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन शहरों में अगर आधे घंटे के लिए लाइट कट जाए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये देखने में तो आपको जंगल लग रहा होगा पर ये जंगल है नहीं, ये है हमारा प्यारा सा गाँव। पता है गाँव में ना जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब बिना मतलब का होता है, कोई इसे बनाता नहीं है, वो प्राकृतिक मेड होता है, मैन मेड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अपने से जब उगती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं यार, मतलब जैसे ये पेड़ पौधे आपस में मतलब जैसे लपटाए हुए हैं। तो ये ऐसे हैं ना कि आप देखते ही नहीं खुश हो जाओगे। तो गाँव का मज़ा ना मैं आपको बता नहीं सकता, सच में मैं फील करता हूँ यार यहाँ आने के बाद ना, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ उसे एक्सप्लेन करूँ आपके साथ, और मैं वही चीज़ें आपके साथ करता हूँ। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी, अगर नहीं लगती कुछ और आपको देखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके हिसाब से ब्लॉगिंग करूँगा, आपके हिसाब से ब्लॉग को शूट करूँगा। तो अभी जस्ट हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि जाना है ना आज थोड़ा सा तिलक में हमें, और टी शर्ट ही डालें यार, सोचे शर्ट क्या डालूँ, क्योंकि पता है शर्ट डालने पर ना थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, अभी की 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में कपड़ा हल्का ही पहना जाए तो कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना भीड़ भाड़ रहता है तो और ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने पहना था ना फॉर्मल शूज तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो आज मस्त डाले हैं स्पोर्ट्स शूज, जींस और टी शर्ट। ये मतलब कंफर्टेबल इतना लगता है ना भाई कि मैं बता नहीं सकता, कुछ भी पहना दो लेकिन ये पहनने का मज़ा ही अलग होता है। तो सारे लोग रेडी हैं चलने के लिए, चलो बच्चा पार्टी, चलो। तो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में, क्योंकि ये ब्लॉग दो दिन में शूट हो रहा है, अभी सुबह हो गया, क्योंकि कल पता है बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किए तो सोचे क्या अपलोड करें उसे।
थोड़ा सा कंटेंट अच्छा हो जाए तो अपलोड करते हैं। तो आज का आप मिक्स करके अपलोड करेंगे, हो सकता है आपको ब्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट मिले बिकॉज गाँव पे है, यहाँ पे सर्वर भी सही नहीं है तो थोड़ा सा लेट ब्लॉग मिल सकता है, उसके लिए सॉरी। प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। और यहाँ की खास बात आपको बताऊँ, मतलब सुबह होने से, जैसे ही सुबह होता है 5 बजे, तो शहरों में क्या होता है ना कि लोग निकल जाते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, बट यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो निकल जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। सुबह सुबह उठे और ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। गांव के लोग तो बहुत कम ब्रश करते हैं, दातुन ज़्यादा करते हैं, तो जो युवा हैं हमारी तरह वही ज़्यादा ब्रश पे फोकस करते हैं, नहीं तो जो लोग 50 ईयर्स से ओल्ड हैं वो सारे लोग दातुन अभी करते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी लगती है यार, गाँव में जाते हैं लोग सुबह 5 बजे और 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे यानी 10 बजे 11 बजे तक मेहनत करके फिर वो रिटर्न वापस आते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि उन्हें फिजिकली मेहनत करने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो आपने खेत देखा मेरे पीछे जो कोड़ा हुआ था पूरा, वो जो कोड़ रहे थे इन्होंने ही पूरा कोरा कोड़ा है, ये इनकी 2 दिनों की मेहनत है। सच बताऊं तो अगर मुझसे कोई बोल दे इतना काम करने के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, बट यार सच में गांव के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, नो डाउट। चला के लेके आओ, इधर तक लेके आओ, ऐसे लेके आओ, इसको नहीं चला पाओगे, इस प्लेटिना थोड़ी है ये। तो हम आए हैं अभी थोड़ा सा बुआ के यहाँ, अभी जस्ट हम आए हैं, ये हाल है हमारा। और अभी अंदर बैठे थे, आए हैं, पता है यहाँ पे जब हम बचपन में आते थे ना यहाँ पे कटहल का एक पेड़ हुआ करता था, अभी तो वो कटहल का पेड़ है नहीं, शायद कट गया है। और मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे, यही वो पेड़ है जो आप देख रहे हैं जो कट के रखा हुआ है। जब बचपन में हम आते थे ना यार, मतलब यहाँ पर बहुत मज़ा आता था, बट तभी नहीं क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे लड़के थे वो सारे कहीं ना कहीं चले गए, तो थोड़ा सा कम एंजॉय करने के लिए मिलता है, बट बहुत मज़ा आता था यहाँ पे सच में। तो अभी हम जस्ट निकल गए हैं और जा रहे हैं घर, काफ़ी देर से निकले हैं तो थोड़ा सा रुके थे, बाइक चलाते चलाते हो गई हालत ख़राब और भाई को आ गई थी टॉयलेट, बहुत देर से टॉयलेट करने चला गया था ये। तो चलते निकलते हैं फिर। और यार प्यास जो लगी है ना वो भयंकर वाली, एकदम हाई लेवल वाली, इतनी तेज प्यास लगी है। तो कहीं रुकते हैं चल के, कुछ खाते हैं और फिर पानी वानी पीते हैं, फिर निकलते हैं। हेलमेट लगाने के बाद पूरा बाल खराब हो गया था, समझ रहे हो, हेलमेट लगाने के बाद बाल का सत्यानाश हो गया है। पूरा विधायक लग रहे हो तुम, चुनाव लड़ जाओ, जीतोगे नहीं लेकिन मतलब खड़े होने लायक हो, चुनाव जीत सकते हो। दावेदार हूँ। 18 वर्ष पूरा हो गया कि नहीं? 18 वर्ष पूरा हो गया कि नहीं? 21 के हो? अरे तब तो पार कर चुके हो, पार कर चुके हो, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ जाओगे 4 साल में। तो हेलमेट लगा के हमारे बाल की हालत हो गई है ये। और अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं घर पे, चलते हैं यार, नींद आ रहा है बहुत भयंकर वाला। बाइक चलाएं 150 किलोमीटर और अभी चलते हैं और सोते हैं थोड़ा सा, इतनी तेज़ धूप थी ना कि हालत ख़राब हो गई भाई, और उस धूप में बाइक चलाना और भी मुश्किल था। कोई नहीं, पहुंच गए घर ना।